फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी साबुदाना और चावल के पापड़। तो इस साबुदाना और चावल के पापड़ खाने में बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप भी इसको इस तरह से घर पे ज़रूर बनाकर देखिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पे हमने एक बड़े से पतीले में आधा पतीला पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो पानी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल साबुदाना। तो साबुदाने को मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। साबुदाना यहाँ पे अच्छे से भीग चुका है। तो साबुदाना को हम पहले पका लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, चाहे तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो सूखी मिर्ची होती है उसको ही बारीक कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सूखी मिर्ची बिल्कुल बारीक पीस लिए है। और हमने इसमें ऐड किया है जीरा और थोड़े से सफ़ेद तिल, चाहे तो आप इसमें इसके अलावा कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम साबुदाने को पका लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा साबुदाना आधा पक चुका है। तो और 5 मिनट तक इस साबुदाने को हम पका लेंगे अच्छे से। साबुदाना यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साबुदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा साबुदाना अच्छे से पक चुका है। तो इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे हाफ बाउल चावल का आटा। तो चावल के आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे साबुदाने के पानी में। तो यहाँ पे हम ये चावल का आटा साबुदाने में अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेंगे। तो इसको हमें ढक कर रख देना है ताकि ये चावल का आटा है अच्छे से पक जाए। तो इसको अब हम ढककर रख देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और इस मिश्रण को एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस मिश्रण में बहुत सारे लम्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप घबराए नहीं, इस मिश्रण को हमें अच्छे से पका लेना है। इसमें जो चावल का आटा होता है उसको हमें अच्छे से पकाना है। तो इसको इसलिए हम ढक कर रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हमें ढक कर रख देना है ताकि ये जो मिश्रण है अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इस मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा करके अच्छे से मसल कर इसका एक डो बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस मिश्रण को अच्छे से पका लेना है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसको हम फिर से ढक कर रख देते हैं। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और साबुदाना और चावल का आटा यहाँ पे अच्छे से पक चुका है और अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। तो अगर आपको ये मिश्रण अगर पतला लग रहा होगा तो इसी स्टेज में आपको थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर लेना है। लेकिन चावल के आटे को आपको अच्छे से पका लेना है। कम से कम 10 मिनट तक उस मिश्रण को आपको ढक कर रख देना है ताकि चावल का आटा अच्छे से पक जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल का आटा और साबुदाना अच्छे से पक चुका है और ये मिश्रण भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये साबुदाना और चावल के आटे का मिश्रण अच्छे से पक चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये मिश्रण चाहिए, तो ना बिल्कुल पतला ना बिल्कुल गाढ़ा, तो इस तरह से हमें चाहिए। और एक बड़े से प्लेट में हम इसको निकाल देंगे ताकि ये इस मिश्रण को हम अच्छे से मसल कर मिक्स कर सके। पापड़ के मिश्रण को हमने एक बड़े से प्लेट में निकाल दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमें अच्छे से एक डो सा बना लेना है ताकि इसके हम गोले बना सके। लेकिन ये बहुत ही चिपचिपा रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर तेल थोड़ा सा यूज़ किया है। और ये मिश्रण भी बहुत ही गर्म है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इस पापड़ के मिश्रण को हम अच्छे से मसल कर इसका एक डो बना लेंगे। अगर आप हाथ की सहायता से करोगे तो ये हाथ को बिल्कुल चिपक जाता है, तो इसलिए हम प्लास्टिक के कागज के ऊपर इस तरह से हम लेकर इसका अच्छे से डो बना लेंगे। और इसको हमें इस तरह से मसल कर इसका डो बना लेना है। तो आप वीडियो में प्रोसेस पूरी देख सकते हैं ताकि इसका अच्छे से गोला बन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्रोसेस। तो सारे मिश्रण को हम इस तरह से इस प्लास्टिक के कागज के ऊपर मसल कर इसका डो बना लेंगे। पापड़ बनाने
बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है इस तरह से एक प्लास्टिक का कागज़ और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे क्योंकि पापड़ का जो मिश्रण है बहुत ही चिपका रहता है और इसके लिए हमें तेल की आवश्यकता होती है। तो चारों तरफ हम तेल को इस तरह से फैला देंगे ताकि मिश्रण चिपके नहीं। तो अब हम पापड़ के मिश्रण का एक गोला लेंगे और इस तरह से इस प्लास्टिक के कागज़ के ऊपर रख देंगे और उसकी पापड़ बना लेंगे। आपको हाथ की सहायता से या बेलन की सहायता से पापड़ बना लेने हैं। अगर आपके पास पापड़ बनाने की मशीन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से पापड़ बना लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे पापड़ को बना लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार पापड़ को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इस पापड़ को बनाने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। तो इस पापड़ को हम 4-5 दिन तक अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। इस पापड़ को मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस पापड़ को डीप फ्राई कर लेना है। तो आपको यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पापड़ बहुत अच्छे से फूल रहा है तेल में, तो इसका मतलब ये जो पापड़ है अच्छे से हमारे सूख चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इस गर्मियों के दिनों में इस तरह से ये पापड़ बनाकर ज़रूर देखिए और इसको आप साल भर के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये पापड़ फूल चुका है। तो मैं आपको दूसरा पापड़ भी इसी तरह से डीप फ्राई करके दिखा लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पापड़ बहुत अच्छे से फूल जाता है तेल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस पापड़ को डीप फ्राई कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस तरह से ये पापड़ ज़रूर बनाकर देखिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये पापड़ की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते किसी ऐसी ही नई रेसिपी में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।